अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान दोस्तों, की हाल है तुहाडे? उम्मीद करना कि तुसी ठीक हो सो, और अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हाँ। अच्छा जी, आज दी मेरी वीडियो है बरसीन के हवाले नाल, क्योंकि हर बंदे जिहड़ा जिमीदार करते हैं जरी गल उन्हें जानवर रखे होंगे ने, हर बंदे रखे होंगे जानवर जिहड़े देहात च मतलब हैं, और लोगों ने तो शहरों के भी मतलब डंगर रखे हो, लेकिन जिन्हें अपनी जमीन है तो मतलब उन्हें चारा जारी गल बीजना होंदा गड़ना होंदा। इस वास्ते जिहड़ी सर्दी की फसल है चारे वास्ते वो है बरसीन। तो जारी गल है हर बंदे, तुहानूं मैं पहले भी अर्ज़ किया कि हर बंदे बरसीन की फसल गड़नी, तो ये कदों गड़नी चाहिए, अगेती काश्त ते किस तरीके गड़नी चाहिए, ये सारा मैं डिटेल ना तुहाडे नाल गल करेना। वीडियो तुसी मुकम्मल वेख्या है, सारी गल मैं तुहाडे नाल करेना जी। बरसीन एक ऐसी फसल है जानवरों वास्ते सर्दियों के विच, इस तो वध ते बेहतरीन चारा कोई होर हो नहीं सकता, इस वास्ते हर बंदे गढ़ना है। लेकिन इस वीडियो शुरू करने तो पहले जितने भी नवे बिरा मेरे इस चैनल में वेखदे पैन वो सबसक्राइब कर दे मेरे इस चैनल में, ते नाल ही बैल का बटन है उसते क्लिक करो ताकि हर आवन वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचे। और मेरी जरिए मालूमती वीडियो होंदियां ने तकरीबन सारिया फसलों के हवाले नाल, ते तुसी वो वीडियो वेखते अपनी फसलों की पैदावार भी लै सकते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा, और जेड़ा टाइम और डेट जी मैं दसदा उस ते तुसी काश्त करके ते अच्छी फसल तुसी ला सकते हैं। तो हुण मैं तुहानूं दस्सना बरसीन के हवाले ना कि आया बरसीन जेड़ा ये सानू अगेती जी काश्त है वह कदों करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मेरे विरा जड़े ने वह बहुत जल्दबाजी कर लेंगे तो फिर जाके बाद पछतावना पाता। पिछले साल मैं भी बहुत जल्दी कुछ बरसीन गढ़ लिया, लेकिन वो ये होया कि सब तो पहले तो जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो गई होंदिया, यानी कि उस सिट हो गई, टनल हो गया, बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियां हो गई होंगे, फिर ये जल्दी वधदियां। बरसीन की जड़ी फसल है वो थोड़ा कम होंगी है, बी तुसी जितना मर्जी ज़्यादा पा लो, लेकिन वो एक तो गर्मी जी है वह टैंपरेचर बहुत ज़्यादा खड़ोता है, इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 39-40 के करीब है मतलब जनूबी पंजाब के अंदर, अगर वस्ती पंजाब के अंदर भी गल की जाए तो तकरीबन यही टैंपरेचर है। थोड़ा कोई फर्क होया तो अगर मशरकी पाकिस्तान दे दुआ पंजाब दे हो सकता थोड़ा कोई एक दो पॉइंट की कमी हो गए, लेकिन इस महीने सितंबर का महीना है तकरीबन आज 7 तरीक है, इस महीने तो तुसी बिल्कुल किसी भी जगह पर बरसीन की काश्त नहीं करनी, और अक्तूबर दे विच जाके फिर तुसी काश्त करनी है, वो भी अक्तूबर की एंड, क्योंकि मैं पिछले साल जी काश्त की आई वो अक्तूबर अक्तूबर की 16 तरीक न की आई, लेकिन वह जड़ा है मैं अपना जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो गई और जो टैंपरेचर आ वो लो नहीं आ बहुत हाई आ, इस वास्ते फिर बरसीन की जी फसल आई मेरी वो तकरीबन जी वो खराब हो गई है, और मैं फिर दोबारा ला के करना पे। इस वास्ते मैं थानू ये अर्ज कर सा कि अगर थोड़ी कोई रकबा थोड़ा खाली पिया है तो बेशक उस जी माल वाली रूड़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर खाली नहीं पिया कोई चारा वगैरह होर गड़े हुआ तो फिर तुम उस जमीन तैयारी कर लो, उन्होंने बना लो उतने देर तक, और क्योंकि अजय बरसीन की जी काश्त है वह फिलहाल इस महीने बिल्कुल नहीं करनी, और अगले महीने की तकरीबन 10-15 तो बाद मशरकी जोड़ा पंजाब है वो काश्त कर सकते हैं, मौसमी सूरत हाल वेख के टैंपरेचर की हालत वेख के कि अगर टैंपरेचर 30 वाली पास आ जाता है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर तो वह 30 वाली पास आ जाता है तो फिर तुसी उत्ते काश्त कर सकते हैं, और बाकी जेडे इलाके वस्ती पंजाब हो गया या जनूबी पंजाब हो गया वो बिल्कुल भी अगले महीने तकरीबन सितंबर जा अपना सॉरी नवंबर जाके काश्त करें, वो बिल्कुल भी अक्तूबर दी या एंड जाके काश्त करें, क्योंकि उस वक्त मौसम हो सकता है शायद कोई बेहतरी आ जाए, क्योंकि इस महीने की 15 तरीक तक जरा जनूबी पंजाब के अंदर जो टैंपरेचर है वह तकरीबन 39, 38, 39 और 40 के दरम्यान रहा सी, अगर इस हालत फर्ज की तो इस महीने तो बिल्कुल तुसी काश्त नहीं कर सकते ने। इस वक्त तुसी वेख लो कि मैं वीडियो बनाईदा पाया और तकरीबन शाम का टाइम है, सैकेंड टाइम है, तो हालत तुसी वेख सकते हैं कि हबस के की पोजिशन हो गई। इस वास्ते अगर थोड़ा बरसीन जोड़ा है वह अगर उग भी आंदा तो वह गर्मी की शिद्दत जी उस बर्दाश्त नहीं कर सकनी, क्योंकि वह अपना सड़ जासी, जे अगर सड़िया ना तो फिर जड़ी बूटियाँ इतना ज़्यादा हो जा सन कि वह उत्ते चढ़ जासे, अगर वह जड़ी बूटियाँ चढ़ गई उत्ते तो फिर भी मतलब बरसीन की फसल थोड़ी खराब हो जासी, उस बूटा भी नहीं बनावना। इस वास्ते बेहतरीन जोड़ा तरीकाकार है वो यही है कि तुम टैंपरेचर गर्मी की शिद्दत मद्देनज़र रखते हुए जी काश्त बरसीन की वो तुम अगले महीने की 15 तरीक तो बाद जाके स्टार्ट करनी, जिस तरीके मैं तुम्हें
वीडियो के शुरू के सारा तुम्हें मैं दसिया कि फलां फलां इलाके जेड़े दर्जा हरारा तो उस मद्देनज़र रखते हुए तुम बरसीन की काश्त करनी। उम्मीद करना कि इस वीडियो की समझ तुम्हें आ गई होगी। अगर इस मेरी वीडियो की समझ तुम्हें आ गई है और वीडियो तुम्हें पसंद है तो मेरी इस वीडियो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स जाके अपनी राय का इजहार मेरे जरूर कराया। इंशाल्लाह आप मिलते हैं किसी तरह की नवी वीडियो के। उदों तक अल्लाह हाफिज़।